सरई थाना अंतर्गत कोरा गांव में एक बार फिर जमीनी विवाद हुआ है, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो तिवारी परिवारों में धारदार हथियार व लाठी डंडों से जोरदार एक दूसरे के ऊपर जानलेवा प्रहार किया गया है। इतना ही नहीं, एक परिवार के इस पूरी घटना में करीब एक दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका उपचार सरई के स्वास्थ्य केंद्र में कराया जा रहा था, जहाँ से गंभीर हालत होने पर मरीजों को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया है। जिले में इसके पूर्व में भी इस तरीके से जमीनी विवाद को लेकर कई घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शासन प्रशासन की नींद नहीं खुलती और इसका जीता जागता उदाहरण सिर्फ पैसों का खेल ही दिखाई पड़ता है। हालांकि इस पूरे मामले में दोनों परिवारों के बीच एक दूसरे पर लाठी डंडों से प्रहार किया गया और इसकी पूरी जानकारी डायल 100 के माध्यम से सरई थाने को दी गई, जहां घटनास्थल पर पहुंची सरई पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें समझाइश देकर घर भेज दिया गया। लेकिन अगले दिन सुबह आरोपी अरविंद तिवारी, उमेश तिवारी, अरुण तिवारी, सुनील अपने करीब 40 लोगों के साथ मिलकर छोटेलाल तिवारी के परिवार के ऊपर जानलेवा हमला फिर से कर दिया और मारपीट करने के बाद दरवाजे को बंद कर आग भी लगा दी। लेकिन गनीमत अच्छी रही कि किसी की जान नहीं गई। चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों के द्वारा मदद की गई, जिससे आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस को समझदारी पूर्वक कार्य करना चाहिए। ऐसा कोई अप्रिय घटना होने से पहले पुलिस ठोस कदम उठा दे तो ऐसी घटनाएं देखने को ना मिले। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जब पत्रकारों ने एडिशनल SP प्रदीप शिंदे के पास इस मामले की जानकारी ली, तो उन्होंने तुरंत ही सरई थाना प्रभारी शंखधर द्विवेदी को फोन लगाकर सख्त हिदायत दी और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। इस पूरे मामले में घायल की नातिन का कहना है कि करीब 40 की संख्या में मारपीट करने के लिए जो लोग आए थे, उनमें 20 से 25 लोग उत्तर प्रदेश से मंगाए गए थे। अब भी उनके द्वारा धमकी दी जा रही है कि यहाँ से घर खाली करके भाग जाओ, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। सिंगरौली से राजू दुबे की रिपोर्ट। मैं बहादुर सिंह पुलिस 3-4 थे उत्तर प्रदेश खमहरिया के आए, जो हीरा लाल ने एक लड़का एक का करे ना, हमारे कारी देवक शुरू करे ना, हम सोतर के बाद के सोहर तो राम नारायण सुनील उमेश क्या कहना है 3-4 राकेश का सार आल है राकेश, ये सब दुआरी पर हमारे पहुँच जाएगा काल दे है रहना शाम की। हाँ हाँ आकर एक दाँती हमार सारदा रह थी। हाँ तो उन्हें किया थाने से 26,000 रुपया, तो फोन कर रहा ना हमारे नाती शंकराचार्य BA पढ़ा था कि 26,000 बाबा जाने बाप जाने तू रुपया लिया के दे दे, नहीं तो तुम्हें बेट देबा भविष्य बर्बाद कर देबा कि हम घर में ले उठे नहीं पाई लाठी से एकाएक लाठी से मतलब आग ही लगाए हैं पुलिस वाले भी ताए हैं ऐसा। हाँ हमारे घर एक अंदर घर में लगाए हैं 15-20 लोग से ज्यादा रहता है। 15 घटना हुई कम से कम 6 बजे के लगभग। आष्टे लाल तिवारी रिपोर्ट आई है और बाकी उनके वाइटल्स जो हैं वो स्टेबल हैं, हालांकि क्योंकि वो पूरे पहले भी हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट ले रहे हैं हमारे यहाँ से, तो उससे तो आराम है और चोट तो गहरी है हालांकि। और इसमें से एक ये छोटे लाल तिवारी जी हैं जो शायद आप जिनकी बात कर रहे हैं जी, और एक सुनील तिवारी करके हैं जी, इनके दोनों हाथ के अंगूठे में ज़्यादा दर्द है, दर्द दर्द की तकलीफ ज़्यादा है जी। ये हो सकता है ये लेसरेटेड या सार्प कट इंजरी है जी, और फ्रैक्चर भी है, ओपन टाइप का फ्रैक्चर है जी। तो इनको इमीडिएट रिफर कर रहे हैं हम बहन अस्पताल के लिए जी, और इसमें से 2-3-4 केस रिफर होंगे। हमारे पास 10 से 11 MLC आई हुई हैं, 11 लोग हैं। स्थिति हाँ स्थिति ठीक है, एक बंदे की स्थिति ज़्यादा थोड़ा ख़राब है क्योंकि वो जो अंगूठा है वो ज़्यादा दिक्कत कर सकता है, सुनील तिवारी को करके हैं जी उनका, बाकी ठीक है स्थिति ठीक है। बाबा को बचाने के लिए उनको सब लोग मुझसे मार रहे थे, टोटल 40 लोग थे परिवार को मार डाले, मार के गिरा दिया, मैं गई मुझे गिरा के लोगों से मारा था, गाड़ी से चोट लगा है, देखे ठीक रहा, मदद करे हमारा कोई मदद करने वाला नहीं है। पूरे 40 लोग थे, जमीनी विवाद है इसी को लेके मेरे बड़े बाबा के
पांच लड़के थे, उनके दो तीन नाती, और बाहर से आदमी, यूपी से आदमी बुलाए गए थे, तीन चार उनके साले थे, राकेश तिवारी का गुंडा बुलाए गए थे वो लोग, बाकी जितने जमीनी विवाद वाले हैं सब लोग थे, कम से कम 40 लोग घर के आसपास के सब पूरे लोग मिलके, और घर के सब लोग मिलके मारे हैं, पूरे परिवार को तहस नहस कर डाला, हमारे पास कुछ नहीं बचा, जमीन जगह हर चीज़ छीन लिया, केवल घर बचा है, घर से निकलने को कहते हैं, कहाँ जाएंगे घर से निकल के, हम कई बार दिया लेकिन कोई इंसाफ नाम का चीज़ ही नहीं है, पुलिस वालों को पैसा चाहिए, कहाँ पाएंगे गरीब आदमी, मेरे पिताजी एक सन भीख मांग के मंदिर की पूजा करें या बच्चों को पाले या पुलिस को दें, लेकिन हमारा इंसाफ कौन करेगा, कौन सुनने वाला है हमारा, कोई सुनने वाला नहीं है, किसके पास जाए मदद के लिए, ये जमीन जगह को लेके सब कुछ छीन लिया, क्या जानते हमारा नहीं बचेंगे, मार डालेंगे, हमारा जान बचाया जाए तो हमें बताया जाए कि हम कहाँ जाए, हम सब छोड़ने को तैयार हैं, जमीन जगह घर, लेकिन मेरे परिवार के साथ क्या चाहना हो, मैं अपने परिवार को सलामत देखना चाहती हूँ, और खुश केवल मेरा परिवार सुखी रहे, ये भीख मांग के जंगल में जी लेंगे सर, लेकिन परिवार मेरा सुरक्षित रहे, अगर परिवार का कोई भी खो गया ना तो हमारा पूरा परिवार तबाह हो जाएगा, इन अत्याचारों से हमें बचाइए, प्लीज बचाइए, वरना हम मार जाएंगे। ये सरई के गोरा ग्राम की घटना है, दोनों ही एक ही परिवार के लोग हैं, अपने यारबंद के मोहल्ले में घर पास में, और ज़मीन के विवाद को लेकर के लड़ाई झगड़ा हुआ है, और इसमें दोनों पक्षों की कंप्लेंट है, दोनों पक्षों के विरुद्ध हमने मामला पंजीबद्ध किया है, मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें हम प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं, और वहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग भी कंटिन्यू कर रहे हैं, मामला रजिस्टर्ड कर किया जा चुका है, और अंडर इन्वेस्टिगेशन में जो भी उसमें घटना हुई होगी उसके हिसाब से हम उसमें सेक्शन भी बनाएंगे, आरोपी भी बनाएंगे।